अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, E6 का एरर ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने E6 का एरर आ रहा है और वो इंडोर यूनिट का PCB आपके सामने मौजूद है, तो इसके साथ आउटडोर यूनिट का PCB नहीं कनेक्ट, जिसकी वजह से E6 का एरर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इंडोर और आउटडोर कनेक्ट ना हो आपस में तो E6 एरर आता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन एरर है ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। तो जब भी अगर आपका सेटअप मुकम्मल लगा हुआ है, E6 एरर आ रहा है, तो आपको इसकी तीनों वायर्स जो कि इंडोर से आउटडोर यूनिट में जाती हैं वो चेक कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं सही, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या वो कनेक्शन आगे पीछे आपने लाइन की जगह न्यूट्रल लगा दी हो, या फिर आपने जो इसकी कम्युनिकेशन सिग्नल वायर है वो आगे पीछे कर दी हो, ये प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सब चीज़ें ठीक है, वायर्स आपकी ठीक है, वोल्टेजेस वगैरह ठीक है, पावर सप्लाई वाली भी वायर ठीक है, तो फिर PCB में इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका E6 कम्युनिकेशन एरर। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है जो कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर PCB का काम आपको सिखाया जा रहा है ऑनलाइन। अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन काम सीखने के लिए कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर और इनसे PCB कोर्स परचेज़ कर लें। ये हमारा ही PCB कोर्स है जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 10 घंटे का PCB कोर्स है, इस पर काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी मेहनत की है, और आपके लिए बहुत आसान लफ्ज़ों में ये कोर्स बनाया है ताकि आप एक 10 घंटे डेली, एक घंटा भी दें इसको तो 10 दिन में आप इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक इसकी वर्किंग, इसकी टेस्टिंग, इसमें मीटर के साथ कैसे जो है कंपोनेंट टेस्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जो भाई भी PCB कोर्स परचेज़ करना चाहता है कॉन्टैक्ट करें, और सिर्फ 5,000 रुपये में ये PCB कोर्स मुकम्मल परचेज़ कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।